जिसकी रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है बहुत ज्यादा, फिर जी इसकी जांग में भी पस बन गया। अब इसकी पूरी टांग में इन्फेक्शन हो रहा जी। इसके निकल गए तो मैं डॉक्टर के लिए ऑपरेशन बताया जी। मैं सारी सामली में फिरी, सारा झिंझाना में फिरी, मगर पीसों के बिना किसी ने पकड़ी नहीं। जो इसकी पीछे की हड्डी है वो पूरी तरह गल गई है, जो गोड्डा है घुटना बोलते हैं इसको, इसमें दिक्कत है। इसकी वजह से इसकी रीढ़ की हड्डी में दिक्कत बनती है, इसमें मुवाद भी चलती है पीछे जो हड्डी गली हुई है, दर्द होता है जी। हाँ, रोती है, बताती भी है, रोती है, तड़पती है जब इसे दर्द होता है। सुबह उठा के से बाथरूम लेटरिन में ले जाना पड़ता है, पेशाब उठा करवाना पड़ता है, फिर इसे हाथ मुँह धोवा के इसे खाना खिलाना पड़ता है। जब इसको बिरान करती है तो बस जाना टाल कर दिया, कैंसिल कर दिया, कहने लगा मैं स्कूल जाऊंगी नहीं। बच्चे इधर से अपनी गोद में उठा के लेके जाते हैं, फिर उधर से एक बच्चे इधर से लेके आता है, दूसरा उधर से लेके आते हैं। बाजी बार बच्चे परेशान करते थे ऐसे, तो फिर ये आके रोती है हमारे पास में, कहने लगा वहाँ पे बच्चे परेशान करते हैं, मजाक लेते हैं, कहने लगा लंगड़ी लड़की, इस तरह चिढ़ाते हैं एक एक आके रोती है हमारे पास में। फिर हमारे दिल पे जोर पड़ता है। हमारी बच्ची अच्छी होती, पढ़ने भी जाती, अपने पाँव जाती, ब्याह शादी में भी ले जावा, रोती रह जाए, सब बच्चे जावा या भी रोए या भी रस करा, मैं कैसे जाऊँ, अल्लाह मुझे ठीक कर देता, पाँव तो मजबूत रहती, मैं भी जाती जी। इसका इलाज नहीं जल्दी से जल्दी कर पाओगा तो कैसे चलेगी जी, जिंदगी बर्बाद है जी इस लड़की। हम तो चाहे हमारी लड़की कल की होती आज ठीक हो जाए, अब चलने लगे, दिक्कत तो पैसों की वजह से है ना। कर्ज में पहले डूबे हुए हम, 300-400 रुपए घुमा कर लाता हूँ, इसमें अपने बच्चों का ध्यान रखू, इसके दवाई का रखू, ये कर्जदारों का रखू जी। कर्जा तो बहुत है जी, मांगने आवे कैसे दे दू, बताए मकान बेचू के करू के। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हमारा कितनी दिन विनती है आप हमारी सहायता कर दीजिए, जो है ठीक होगी तो पढ़ेगी, नहीं तो अभी जो पढ़ाते हैं बच्चे भी परेशान करते हैं जी। मैं आपसे मदद मांग रही हूँ, मेरी बच्ची की जहाँ तक मदद हो जी सब कर दो, मेरी बच्ची का इलाज करा दो तो ठीक हो जाएगी जी।